आइए हम देखेंगे कि आज लास्ट स्पैन एंडिंग कोन कैसे लगाते हैं। इसका बॉडी पॉइंट होता है 1131। इसका आरआई नंबर भी वही है। इसका कलर कोड ग्रीन होता है और 130 उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। यह 130 स्क्वायर एमएम का वायर है जो कैडमियम कॉपर का बना होता है। इसमें 37 स्ट्रैंड होते हैं जिसमें से 19 स्ट्रैंड अंदर जाते हैं। यह सॉकेट है जिसका आरआई नंबर 1102 है। इसमें भी ग्रीन कलर करा होना आवश्यक है। हम सॉकेट और बॉडी पार्ट को आपस में लगा के देख रहे हैं ताकि उनकी थ्रेड एकदम फ्री हो, आसानी से लग जाए। इसके बाद हम कोन को देखेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोन एक तरफ से पूरी तरह से कटा हुआ है तथा दूसरी तरफ लगभग 90% कटा हुआ है और सिर्फ थोड़ी सी जगह से 10% जगह से जुड़ा हुआ होता है ताकि ये वायर के ऊपर ग्रिप बना सके। जब वायर में कोन फंस जाता है तो कुछ इस तरह के से सॉकेट में चले जाता है। यह पूरा सेट है। 130 स्क्वायर एमएम वायर में कोन का नंबर 1143 है। यदि गलत कोन लग गया जैसे 1104 जो 150 स्क्वायर एमएम कॉपर फीडर वायर का है तो भविष्य में वह एंडिंग कोन स्लिप होना तय है जिससे लाइव ओइची नीचे आ जाएगी। इसलिए कार्य शुरू करने से पूर्व इन कोनों के नंबर को ध्यानपूर्वक चेक करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले सॉकेट को वायर में पुरा लें। नीचे लेने के बाद कोन को भीतर के 19 स्ट्रैंड के ऊपर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए पुराएं। कोन को पुराते वक्त यह ध्यान रखें कि भीतरी कोई भी सिला गैप में ना फंसे। इसके लिए उसे थोड़ा घुमाते हुए अंदर की तरफ पुश करते हुए पुराएं। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, कोन का और वायर का सरफेस एक जैसा होना चाहिए। अब हम भीतर गए हुए वायरों के स्ट्रैंड को गिन रहे हैं। जो कि 19 नंबर होना चाहिए। दो लेयर अंदर जाती है, भीतर की लेयर में 7 स्ट्रैंड और बाहर की लेयर में 12 स्ट्रैंड। 7 और 12 मिला के 19। और बाहर के स्ट्रैंड भी गिन के देखेंगे जो कि 18 होने चाहिए। यदि कोई स्ट्रैंड कोन के गैप में आ गया है तो छोटे बारीक पेचकस की सहायता से उसे निकाल लें जैसा कि यहाँ दिखाई गया है और स्ट्रैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि चारों तरफ स्ट्रैंड हो, कोई एक तरफ ना हो। फिर सॉकेट को घुमाते हुए ऊपर लें। यदि आउटर लेयर का डिज़ाइन अच्छी तरह से आया है तो सॉकेट हाथ से घुमा के ही आखिर तक ऊपर चढ़ जाएगा जैसे कि यहाँ दिख रहा है।
यदि कोई स्ट्रैंड सरफेस से ज़्यादा का बाहर निकला दिख रहा है तो उसे थोड़ा फाइल कर लें। हाथ से देख लें कि कोई भी स्ट्रैंड ज़्यादा का बाहर नहीं निकला है, वो सभी एक लेवल पे हैं। इसके बाद बॉडी पॉट को सॉकेट के ऊपर टाइट कर लें। टाइट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि थ्रेड कभी भी ओवरराइड नहीं होना चाहिए, स्मूथली बराबर जानी चाहिए ताकि बॉडी पॉट सॉकेट में आखिरी तक आसानी से टाइट हो जाए। अंत में एक लाल कलर का टेप सॉकेट के बाजू चिपका दें, सॉकेट और वायर के बीच गैप दिखाई न दें। और यूज के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि यह टेप और सॉकेट के बीच गैप दिखाई दे रही है, मतलब वायर भीतर से स्लिप हुआ है।